नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव के लिए कल पांचवें चरण की वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी से लेकर कल राहुल गांधी के भी चुनावी मुकाबले का दिन है। जिन 49 सीटों पर कल वोटिंग होगी वहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने इन 49 सीटों में 2019 में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के सबसे अहम पांचवें चरण में मतदान का वक्त आ चुका है। ये 2024 के मतदान का वो चरण है जहां देश के सबसे बड़े राजनेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यूपी में राहुल गांधी, बिहार में लालू की बेटी रोहिणी यादव, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महाराष्ट्र में पीयूष गोयल इस महासमर की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पांचवें चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में रायबरेली से राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट के लिए मतदान होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह हाजीपुर सीट के लिए भी मतदान होगा जहाँ चिराग पासवान लड़ रहे हैं। यूपी के कैसरगंज सीट पर भी सबकी नजर है, क्योंकि यहां से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र की जनता भी मतदान करेगी। यहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। ये सीट रायबरेली थी जहां पर सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। 2019 में ये सभी सीटें एनडीए ने जीती थी। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहाँ शिवसेना ने 7 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। तब शिवसेना के 2 फाड़ नहीं हुए थे। झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहाँ बीजेपी ने सभी 3 सीटें जीत ली थी। ओडिशा में 5 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहाँ बीजेपी ने 3 और बीजेडी ने 2 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने 3 और टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 60% मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कश्मीर में भी वोटिंग के लिए सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जमशेदपुर की रैली में कांग्रेस पर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम को विकास का क ख और ग भी नहीं मालूम। पीएम ने कहा कि शहजादे नक्सलियों जैसी बातें करते हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में एक रैली की और आलमगीर आलम के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार के मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री ने पूछा, ये नोटों के अंबार किसके हैं? झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल भाई, कौन झारखंड? अच्छा अच्छा, वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और जामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य की गरीबी की वजह कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भ्रष्टाचार है। चिल्लाना मत कि हमारे यहाँ से उद्योग चले गए,
फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए, ये आपके सहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं। आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को तोड़ने के नारे लगाने वालों को भी आईना दिखाया और झारखंड की धरती से राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस की भाषा, इस शाहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। पांचवें चरण के लिए झारखंड की 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। पिछली बार बीजेपी ने ये सभी 3 सीटें जीत ली थी और अब बीजेपी पर यही कामयाबी दोबारा दोहराने का दबाव है। ২০২৪ की लड़ाई में एक बार फिर परिवारवाद की एंट्री हो चुकी है। लालू यादव के बाद डिंपल यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर हमला बोला, जिसके बाद पूरा कैंपेन एक बार फिर परिवारवाद वर्सेस मोदी पर आ गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। लोकसभा चुनाव के रण में एक बार फिर परिवारवाद की एंट्री हो गई है। 3 मार्च 2024 को लालू यादव ने मोदी के परिवार पर हमला किया था, और अब डिंपल यादव ने, जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार की कीमत क्या जाने वाला बयान देकर बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। मुझे पूरा भरोसा है, समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर परिवारवाद पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी डिंपल यादव के इस बयान को लेकर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंपल और लालू यादव के आरोप के जवाब में देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया है। पीएम मोदी का कहना है कि उनका परिवार 140 करोड़ देशवासी है। 50-60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी का पूरा कैंपेन परिवारवाद पर ट्रांसफर हो गया है। लालू यादव के सवाल के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार वाला कैंपेन चलाया था। एनडीए के तमाम नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को मोदी का परिवार बताया था,
और अब डिंपल यादव के बयान के बाद इस कैंपेन को और धार मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि पीएम ने अब यूपी बिहार से आगे बढ़कर पूरे देश में परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है। बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस परिवारवाद का हो चुका है। परिवारवाद लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम देश को अपना परिवार बता रहे हैं और विरोधी परिवार के लिए पूरा कैंपेन चला रहे हैं। इलाहाबाद सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में धुआंधार भाषण दिया। उन्होंने पीओके का मुद्दा उठाते हुए दो टूक कहा कि पीओके भारत का है, रहेगा और देश उसे वापस लेकर रहेगा। उन्होंने मतदान के चार चरणों में इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की भी भविष्यवाणी कर दी। चार चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। प्रयागराज और फूलपुर में राहुल गांधी अखिलेश यादव की रैली में बड़ा हंगामा हो गया। रैली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पहुंचते ही हंगामा वहां पर शुरू हो गया। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और इसी दौरान कई कार्यकर्ता चोटिल भी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी जब प्रचार के लिए प्रयागराज पहुंची तो हंगामा मच गया। जो कार्यकर्ता झंडे ढो रहे थे, अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा जान बचाकर भागते नजर आए। जो कार्यकर्ता राहुल अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। हंगामा ऐसा हुआ कि जिस मंच से राहुल अखिलेश को बोलना था उस मंच पर उनके कार्यकर्ता हुड़दंग करने लगे और आखिरकार राहुल अखिलेश को बिना भाषण दिए ही उल्टे पांव लौटना पड़ा। ये दोनों तस्वीरें राहुल और अखिलेश की रैली की है, एक फूलपुर सीट, दूसरा प्रयागराज का मुंगारी। दोनों जगहों पर हंगामा मच गया। फूलपुर से दोनों बैरंग लौटे तो मुंगारी में जल्दी जल्दी भाषण को निपटाना पड़ गया। दरअसल फूलपुर सीट पर प्रचार के लिए राहुल और अखिलेश जैसे ही पहुंचे, कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। सभी मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए। उसके बाद राहुल अखिलेश वहां से बिना भाषण दिए निकल लिए।
फूलपुर में हंगामा हुआ तो अखिलेश और राहुल गांधी वहां से इलाहाबाद सीट के लिए प्रचार करने मुंगारी पहुंच गए, लेकिन यहां भी कार्यकर्ता उसी मूड में थे। हालांकि अखिलेश और राहुल गांधी ने यहां लोगों को संबोधित किया, लेकिन बार बार अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करते दिखे। निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह जोश। प्रयागराज जिले में अखिलेश और राहुल की दो जगहों पर रैली थी, लेकिन कहीं कार्यकर्ता कंफ्यूज तो कहीं नेता, क्योंकि फूलपुर में अति उत्साह में कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया तो मुंगारी में राहुल गांधी जिस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे उन्हीं का नाम भूल गए। यहाँ पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं, इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं। मुंगारी में अखिलेश और राहुल ने लोगों को संबोधित तो कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मंच से उतरे यहाँ पर भी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। नेताओं के मंच से उतरते ही लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, कार्यकर्ता हेलीपैड तक पहुँच गए। दोनों जगहों पर लड़कों की जोड़ी अपने कार्यकर्ताओं के बीच उलझती नजर आई, और यही वजह थी कि सीएम योगी भी दो लड़कों की जोड़ी पर तंज कसते नजर आए। अभी वे आए थे फूलपुर में, दोनों लड़कों की जोड़ी पब्लिक ही नहीं थी और बैरंग वापस चले गए। बहनों और भाइयों, अब लोग भी उनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक को पता है, जनता सब जानती है, और जनता को इसीलिए लोकतंत्र में जनार्दन बोला गया है। फिलहाल फूलपुर और प्रयागराज दोनों सीटों पर छठे चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए नेता ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता फिलहाल हंगामा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में क्राइम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस क्राइम के बढ़ते केस को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। एमपी में बीते दिनों अलग अलग शहरों में हुए रेप, मर्डर और सरकारी कर्मचारियों पर हमले जैसे मामले को कांग्रेस ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में न केवल सवाल उठाएगी बल्कि सड़क पर भी उतरेगी। यूथ कांग्रेस के साथ ही एनएसयूआई क्राइम के मामले को लेकर धरना और प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि सवाल जनता की सुरक्षा का है और ऐसे में सड़क पर पार्टी संघर्ष करेगी। जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम है, परेशान है, लेकिन कोई सुध नहीं है। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमारे लोग जगह जगह पूरे हर जिले में जहां भी घटनाएं घटती हैं बताते हैं। हम लगातार, ठीक है, हम विपक्ष में, हमारा काम है बोलना, और हम कोशिश ये करेंगे कि ये जागें, ये सोए हुए जो मोहन यादव जी हैं ये जागते जाग जाएं, नहीं तो आने वाला सत्र भी आने वाला है। और सड़कों पर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारे तमाम संगठन पूरी ताकत से इस निष्क्रिय सरकार का विरोध। उधर क्राइम के बढ़ते ग्राफ के आरोपों को बीजेपी खारिज करती है। बीजेपी कहती है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, लोकतंत्र भी है और कानून व्यवस्था के ऊपर जीरो टॉलरेंस भी है मोहन जी की सरकार की। और जिस प्रकार से मोहन जी ने, आप देखिए, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए मुरली बजा करके अनेकों योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, और जो अपराधी हैं उनके ऊपर उनका मुष्टिका प्रहार, वज्रदंड या सुदर्शन चक्र चल रहा है, बुलडोजर चलता है, और ये आगे भी चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल निकली है। कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, यह हमारे लिए सिर्फ चुनावी नहीं है, अब इसके लिए सड़कों पर संघर्ष होगा और आने वाले मानसून सत्र में भी जमकर आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की भी रणनीति बना रही है, लिहाजा देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमले, रेप और मर्डर जैसे लगातार बढ़ रहे अपराधों के मामलों पर घिरी हुई सरकार विपक्ष को और जनता को कितनी मजबूती के साथ जवाब दे पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में कई यात्री ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका या तो पंजीकरण नहीं है या फिर वो अपनी यात्रा के समय से पहले ही पहुंच गए हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ रहे हैं जिन्हें उत्तरकाशी के बड़कोट पे रोका जा रहा है। वहीं यात्री सड़क के किनारे अपना डेरा डाल रहे हैं जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ ही कई लोग यात्रा के लिए मिले समय से पहले ही पहुंचने लगे हैं। पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है ताकि धामों में व्यवस्था न बिगड़े। मेरा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, हम महाराष्ट्र से पुणे से आए ले, यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। किस तरह की परेशानी, क्यों रोक रहे हैं आपको? वो डेट जो है वो बोलते हैं अगले महीने की और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अब समस्या होने जा रही है। बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते। वहीं कुछ यात्री सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं और दोनों धामों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार बिना रजिस्ट्रेशन और समय से पहले यात्रा पर न आने की अपील कर रही है। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है और श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि हम जो है असीमित संख्या में यहाँ पर यात्रियों को भेज दें, इसलिए यहाँ पे जो है सीमित संख्या का नीति निर्धारित की गई है। अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को भेजा जाना संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आखिर जिनका रजिस्ट्रेशन मई लास्ट और जून का है तो उन्हें हरिद्वार और देहरादून में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।